एनियापा के साथ हमारे घर की खुशियां भी चली गई। यकीन ही नहीं आ रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। सारी जिंदगी हमारे लिए कुर्बानियां दी, सारी जिम्मेदारियां उठाई, हमें पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। कभी सिले में कुछ नहीं चाहा। माँ की खिदमत करना, छोटे बहन भाइयों की कफालत करना, ये भी बहुत सवाब का काम है। अरे हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एनी बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, इसीलिए तो हर कोई रो रहा है उसके लिए। फरिश्ता थी मेरी एनी। हाँ मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब शावेस कब तक तन्हा रहेगा, और ये दूसरी शादी तो उसे करनी पड़ेगी ना। आप इस किस्म की बातें कर रही हैं? अम्मी ये वक्त नहीं है इन बातों का। भाई मैं थोड़ी कर रही हूँ ये बातें तो उसके घर में औरतें कर रही थी ढके छुपे अल्फाज में, और सही कर रही थी। आखिर घर चलाने के लिए, बच्ची को पालने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना शावेस को। शावेस भाई समझदार आदमी है, वो आर्या को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उन्हें दूसरी शादी से रोक तो नहीं सकते, मगर आर्या हमारी भांजी है, हम उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई ऐसी बातें ना उसके खानदान वाले कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। देखो भाई मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी हो जो आर्या को माँ बनकर पाले। आर्या की माँ सिर्फ एनी आप ही थी और वही रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि शावेस भाई को दूसरी शादी करनी। रहा सवाल आर्या का, तो आर्या को हम सब मिलके पाल लेंगे। प्लीज इस वक्त ऐसी बातें ना करें। ये वक्त तो बहुत जल्दी आएगा, देख लेना तुम। मम्मा आज बुक ड्रेस क्यों नहीं आई है? मम्मा क्या हमें छोड़ के चली गई है? बेटा अब पापा है ना आपके पास, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं 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 बेटा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मा की याद आ रही है, मम्मा ने बोला था कि मैं जल्दी आऊंगी लेकिन वो नहीं आई। मुझे भी बहुत याद आती है। आपने बेटा खाना खाया? जी मैंने खाया दादू के साथ, लेकिन दादू कह रही थी कि आपने खाना नहीं खाया। खा रहा बेटा मैं। बाबा आप रो रहे हैं? अब ना तो बाबा रोएंगे और ना आर्या रोएंगे। ओके